फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टीच यू इन टूडेज टॉपिक हाउ टू लर्न इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली. सो आई एम गोइंग टू नैरेटिव स्टोरी एंड इट्स ऑल अबाउट एन एलिफेंट एंड इट्स ड्राइवर, व्हाट वी कॉल इन इंडिया महाउत और महावत. हम जिसे इंडिया में महावत या महावत कहते हैं, जो हाथी को ड्राइव करता है और ही लुक्स आफ्टर एलिफेंट, या वो हाथी की देखभाल करता है, उसे हम लोग महावत बोलते हैं. तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली अंग्रेजी सीख सकते हैं. बिकॉज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट इंग्लिश लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक धीमी प्रक्रिया है, अचानक से आपको नहीं आ सकती है, धीरे धीरे आपको आएगा, है ना. सीखना धीरे धीरे ही आता है, सब में यही होता है, बट आपको कैसे सीखना है ये आपको ध्यान देना है. और बहुत दिनों से आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं मिला इंग्लिश लर्निंग पर, तो आज मैं एक स्टोरी लेकर आता हूँ. एक्चुअली ये स्टोरी दो पार्ट में है और आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको. वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और आप में जोश आ जाएगा. केवल ये इंग्लिश लर्निंग के लिए ही नहीं है, ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर एक काम में आने वाली चीज़ है. देखिए दोस्तों, एक महावत होता है जो कि एक हाथी जो होती है ना, जंगली हाथी. तो जंगली हाथी को जब वो लेकर आता है तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप जंगली हाथी लेकर आएंगे अचानक से, तो जंगली होता है जो कुछ भी नहीं जानता, है ना, संघर्ष करता, तोड़ फोड़ करेगा, अपना मारपीट करेगा, कुछ भी करेगा, भागे दौड़ेगा. लेकिन छोटे बच्चे को, अगर हाथी का छोटा बच्चा होता है ना, जैसे हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो शुरू में क्या होगा, आप सीखेंगे तो छोटे बच्चे के समान, है ना, जब हम सीखते हैं तो उस वक्त आपको ज़रूरत होती है कि अगर हम सीख रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए, जिस प्रकार एक हाथी का बच्चा होता है, महावत क्या करता है, एक रस्सी होती, रस्सी एक रॉप होती है जो कि बहुत ही तगड़ी नहीं होती है, हल्की रस्सी होती है, उस हल्की रस्सी से, कमज़ोर रस्सी से हाथी को बांधता है. और हाथी को बांध देता है तो हाथी क्या करता है, थोड़ा चार कदम चलता है, ठीक है, हाथी के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वो चार कदम चलता है. और बार बार वो चलता है तो जब उसको पता लगता है कि हम रेस्ट्रेंड कर दिए गए हैं, हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये जो रस्सी है इसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे, यानी एक प्रकार की हर्डल थी उसके लाइफ में, एक हर्डल थी, जैसे आप लोग ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हैं, हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, कोई बाधा जिसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये होता है. तो एक प्रकार के क्या हसल था, हसल है ना, HASSLE, HASSLE, हसल माने झंझट. तो उसकी लाइफ में एक हसल आ गया था कि यार ये इसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, उसको लगा ये, यानी वो ट्रेंड किया जा रहा था कि हमें ये रस्सी जो है इसी के सहारे लाइफ काटना है. जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, रस्सी अपनी ओर उसको खींच लेती, बार बार ये कोशिश करता था. यानी जब हम कोई चीज़ सीखते पढ़ते हैं तो उसमें एक बाधा आती है, उस बाधा को आपको समझना है कि आपकी बाधा आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है, है ना. ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाथी के बच्चे के समान होता है बिगिनर्स जो होता है ना, जो बिगिन करता है, सीखने वाला होता है. तो हमेशा ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है कि आपको ये पता लगाना है कि मेरे रास्ते की बाधा क्या है. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिए वो कच्ची रस्सी थी, उसको ये पता नहीं था हाथी को कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, वो चाहता था एक झटके में तोड़ सकता था, लेकिन उसको विश्वास हो गया, उसको भरोसा हो गया कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है. तो बहुत लोग सीखते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि मैं इसे सीख नहीं सकता हूँ, ठीक है. मैं एक चील की बात कर रहा हूँ, एक चील का बच्चा था जो एक मुर्गी के बच्चे के साथ में चुन रहा था, दाने चुन रहा था. वो एक चील का बच्चा था, मुर्गी का बच्चा नहीं था, लेकिन था किसके साथ दाने चुनने के समय, वो मुर्गी के साथ था. तो मुर्गी के साथ में चील का बच्चा दाना चुग रहा था और ऊपर एक चील थी, ऊपर भी एक चील आसमान में उड़ रही थी. तो चील का बच्चा चील को देख करके आसमान में बोलता है मुर्गी से कि वो कौन सी चिड़िया है जो इतने दूर तक उड़ रही है और ऊपर से अपने शिकार को देख लेती है. तो उसने कहा कि तुम उसकी बात मत करो, वो चील है, तुम चील नहीं हो, तुम मुर्गी हो, इसलिए अपना काम करो. अब वो जो चील का बच्चा था उसको ये नहीं पता था मैं भी चील हूँ, उसके भरोसा हो गया कि वो दूसरा कुछ है जो कुछ कर रहा है, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ. तो दूसरों कहने मत आइए कि आप कुछ काम नहीं कर सकते, आप सीख पढ़ नहीं सकते हैं, है ना. ये अपने को ऐसे माहौल के अनुसार बांध कर रखे हैं तो मत सोचो, माहौल का कोई मतलब नहीं होता. अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा लोगों ने किया है, हम लोगों ने भी ऐसा किया है. हाँ, बात अलग है कि इसमें टाइम बहुत लगा है ना, समय लगेगा, लेकिन आपको पक्का आ जाएगा, ठीक है. तो ध्यान दीजिए, उस
हाथी के बच्चे को यकीन हो गया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूँ, है ना। जब बड़ा हो गया हाथी का बच्चा, जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी हुई, उसको एक भरोसा हो गया, मन में बैठ गया, एक शंका बैठ गई उसको कि इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, जबकि वो रस्सी बहुत कमज़ोर थी। उसने कोशिश नहीं किया, कभी अंदाज नहीं लगाया कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, है ना। तो कुछ लोग होते हैं अपने काम को करने में शिथिल होते हैं, वो ट्राई नहीं करते, अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर वो चाहता तो रस्सी तोड़ सकता था, है ना, रस्सी कमज़ोर थी। इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि आपको हाथी नहीं बनना है। हाथी बहुत पावरफुल होता है, आपके अंदर बहुत स्टैमिना है, आप में बहुत पोटेंशियल है, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बात को आपको पता लगाना होगा, अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीक पॉइंट्स को आपको खुद ही पता लगाना है, ये ध्यान दीजिए। अब दूसरी स्टोरी में बताता हूँ आपको, जो सोचते हैं कि हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतना ही सोचता है कि हाँ बस इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे एक चिड़िया होती है, एक घोंसले के अंदर होती है ना, घोंसले के अंदर होती है, अंडे के अंदर में, तो सोचती है बस इतना ही संसार है। अंडे के बाहर आती है तो घोंसले की सोचती है बस इतना ही संसार है, और घोंसले के बाहर जब उड़ती है, दुनिया देखती है, तो बोलती है बहुत बड़ा संसार है। तो इसी तरह से कभी भी लर्निंग के प्रोसेस को आपको धीमा नहीं करना है, उसको विस्तार रूप देना है। और जो कूप मंडूक टाइप के हैं, कूप मंडूक यानी कुएं का जो मेढक होता है ना, उसे घूम घूम करके रहता है, उसको लगता है दुनिया में कुछ और बाहर नहीं है, उसको घमंड हो जाता है कि जो मैंने सीखा बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो गलत है, बहुत कुछ संसार में है। सीखने की प्रवृत्ति को अपने, जो टेंडेंसी आपकी लर्निंग टेंडेंसी है, उसको बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो एक हाथी आई अंधों के गांव में, कई अंधे रहते थे गांव में, एक हाथी आई तो उनको पता लगा, कान से उन्होंने सुना, ठीक है, कि एक हाथी है, चलो देखते हैं, हमने कभी हाथी नहीं देखा बचपन से, किस तरह से हाथी होता है। तो कोई पूंछ पकड़ा, ठीक है, कोई सूंड पकड़ा हाथी का, कोई पेट पकड़ा और कोई पैर पकड़ा, ठीक है, चार अंधे थे। एक ने सूंड पकड़ा हाथी का, ठीक है, एक ने सूंड पकड़ा ट्रंक उसका, एक ने पूंछ पकड़ा टेल पकड़ा, एक ने लेग पकड़ा टांग उसकी पकड़ी, और एक ने पेट पकड़ा। अब चारों को एक्सपीरियंस हुआ अपना अपना, उनको लगा कि हाथी इसी टाइप का होता है। जिसने पूंछ पकड़ा उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाथी एक झाड़ू की तरह होती है। एक ने सूंड पकड़ा तो जो सूंड पकड़ने वाला था उसने अपना एक्सपीरियंस बताया उसने कि हाथी जो है वो एक जो सूंड होती ना, उसने बताया कि बस एक इसी टाइप का होता है कि हाथी जो सूंड जिसने पकड़ा था उसने बोला कि बस एक लंबी जो होती है लौकी, लौकी की तरह से इसे होता है लंबा सा। पेट वाले ने बताया कि नहीं खुरदुरा पहाड़ जैसा होता है हाथी, और टांग जिसने पकड़ा था हाथी का बोला नहीं बड़ा खंभा जैसा होता है। तो ये ध्यान दो आप, हाथी से हमको ये हमको एक नैतिक शिक्षा मिलती है, ये मॉरल एजुकेशन हमारे सामने मिलती है कि जो जितना जानता है उतना ही समझता है, संसार बहुत कुछ है, ठीक है। तो लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, इंग्लिश में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। बस ये आपको ध्यान देना कि इम्प्लीमेंटेशन करते रहना है कि जितना यूज करना हमको उतना ही हम पढ़ेंगे। आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम यूट्यूब चैनल पर रटा रहे हैं लोग, इतने सारे याद कर लो, इतने सारे याद कर लो, हज़ारों याद कर लो, याद करने से थोड़ी कुछ होता है। कोई भाषा सीखने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये देखो कि किस सेंटेंस का यूज कहाँ पर करना है, ठीक है। जिसके पास जितना नॉलेज होता है वही हाथी वाला मामला, जिसने जितना सीखा उतना ही वो बताएगा। तो आपको दूसरों के कहने पर कुछ नहीं करना है, आपकी नीड कहाँ पर है, आपका लेवल इंग्लिश सीखने का भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अंग्रेजी सीखने के प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि जितनी ज़रूरत होती है जिस वर्ड की, जिस सेंटेंस की, वो आप उससे सीखिए। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनकी ज़रूरत हमें लाइफ में लगती नहीं है। जैसे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला अपना वीडियो बनाया है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, अब उसमें कितने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, एक दो कर लीजिए बस हो गया, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 10 प्रकार से बताया तो आप 10 प्रकार बोलिए, क्योंकि 10 प्रकार बताया तो कहीं पर हो सकता है उसको बोला जाता हो, कहीं पर नहीं बोला जाता हो, क्योंकि अमेरिकन वाले कुछ और बोलते हैं, ब्रिटिश वाले कुछ और बोलते हैं। जैसे हॉलीडे और वैकेशन है, अब अमेरिका में जो है वैकेशन है, इंडिया में हॉलीडे है, या इंडिया में हॉलीडे है अमेरिका में वैकेशन बोला जाता है, तो आप समझो कहाँ पर यूज क्या है उसका। बहुत ज़्यादा सीखने के चक्कर मत लगिए कि कितना सारा सीखना है, सीख करके उसमें जितना ज़रूरत होती है और जो मौके पर बोला जाता है वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारे सेंटेंस नहीं बोले जाते हैं। आप ध्यान रखो कि जो मौके पर बोलचाल में ज़्यादा यूज करते हैं लोग, उसी को आप जो है व्यवस्था करिए, उसी के हिसाब से आप बोलिए।
अगर आपको बेस्ट बोलना है तो बेस्ट बोलने की कोशिश कीजिए, यू आर द बेस्ट बॉय। उसके लिए जरूरत नहीं है कि यू आर मार्वेलस बॉय, यू आर एक्सेलेंट बॉय, ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए, बेनिफिट देगा आपको, और बहुत कुछ आप सीख गए होंगे। कि इसको बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, लंबा नहीं बनाएंगे, और मेरे ख्याल से आपके लाइफ में ये बहुत बड़ा काम करेगा। दो हाथी हैं, दोनों को मैंने उदाहरण बताया था। पहले में यह है कि अपनी कमियों को देखिए, उस कमी को आप दूर कर सकते हैं। अपनी पोटेंशियल को देखिए, आप चाहें तो रस्सी को तोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दूसरे हाथी में बताना है कि किसी के बताए हुए रास्ते पर आपको नहीं चलना है, रास्ता उससे पूछो जिसने मंजिल पाई हो, उस व्यक्ति से मत पूछो जो रास्ते की मंजिल को नहीं जानता है।